बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने ट्वीट करके डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के साथ संबंधों को लेकर सफाई दी है। अक्षय ने आरोपों को सिरे से नकार दिया है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम सिंह के मुलाकात होने की खबर का खंडन किया है। अभिनेता को पंजाब में धार्मिक बेहदमी के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर पुलिस गोलीबारी की जांच मामले में विशेष जांच दल द्वारा समन भेजा गया है। सोशल मीडिया पर दिए गए एक बयान में अक्षय ने राम रहीम सिंह के साथ किसी तरह का संबंध होने या मुलाकात होने की बात को नकार दिया और इसे अफवाह और झूठा बयान करार दिया। अक्षय पर आरोप है कि उन्होंने पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के साथ राम रहीम की मुलाकात कराने का बंदोबस्त किया था। अक्षय ने एक बयान में कहा, मैं जिंदगी में कभी भी कहीं भी गुरमीत राम रहीम से नहीं मिला हूं। मुझे सोशल मीडिया से पता चला है कि राम रहीम मुंबई के जुहू में मेरे ही इलाके में कहीं रहता था, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले। राम रहीम की फिल्म MSG का विरोध करता रहा हूं। अक्षय ने कहा, इतने सालों में मैंने समर्पण के साथ पंजाबी संस्कृति और समृद्ध इतिहास और सिख परंपरा को बढ़ावा देने वाली फिल्म जैसे सिंह इज किंग और केसरी बनाई है। पंजाबी होने पर मुझे गर्व है और सिख आस्था के प्रति बेहद सम्मान है। अक्षय ने आगे कहा, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मेरे पंजाबी भाइयों और बहनों की भावनाएं हर्ट हो, जिनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान और प्यार हो। इस वीडियो में इतना ही। मैं योगिता शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली से।